करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शनिवार को करनाल अनाज मंडी में स्थित मार्केट कमेटी सचिव के कार्यालय में आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इसके बाद उपायुक्त ने मीडिया के सामने गेहूं खरीद व उठान को लेकर सारी जानकारी दी। पत्रकारों के समक्ष उन्होंने बताया कि जिले की सभी मंडियों में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब कहीं पर भी गेहूं खरीद तुलाई ढुलाई को लेकर कोई परेशानी नहीं है। सरकारी खरीद एजेंसी किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी और किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं उपायुक्त ने सरकारी खरीद एजेंसी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे गेहूं के उठान कार्य में ढिलाई ना बरतें। मंडियों में प्रत्येक दिन जितनी गेहूं की आवक होती है, खरीद के बाद उतनी ही गेहूं का उठान अवश्य सुनिश्चित किया जाए ताकि मंडियों में जाम ना लगे और किसानों को अपनी फसल लाने में कोई दिक्कत ना आए। इस मामले में कहीं पर भी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आढ़तियों को पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध करवाएं और बारदाने की कहीं पर भी समस्या ना आने दें। उन्होंने आज फिर दोहराया कि किसानों की फसल की बिक्री के 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पेमेंट भेजी जा रही है। इस मौके पर करनाल के SDM आयुष सिन्हा, मंडी सचिव सुरेंद्र सिंह, सरकारी खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधि, आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर पाढ़ा, मंडी आढ़ती एसोसिएशन की ओर से गजे सिंह, राजेंद्र राणा, रामपाल ढालका, लेखराज, सुनील राणा, राजेंद्र कुंडू सहित अन्य आढ़ती व किसान मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल की मार्केट कमेटी की। यहाँ पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव यहाँ पर मंडी में निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। हम आपको बता दें कि आढ़तियों द्वारा हड़ताल कर दी गई थी, परंतु अब इनके सुलह होने के बाद अब खरीद शुरू कर दी है। हम जिला उपायुक्त निशांत कुमार से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मंडी भी जाएंगे सर आप? हैं, मंडी भी जाएंगे? नहीं, मंडी आज अब हमारी परचेज शुरू हो गई है। सर, सरकार से क्या जो है शर्तें मान ली आढ़तियों द्वारा और आज क्या प्रशासन द्वारा कदम उठाए? एक तो जो एक ग्रुप था आढ़ती एसोसिएशन का, कल वो शाम को सरकार से मिला और उनकी सहमति बन गई है, उसी कंडीशन पे खरीद होगी, पैसा सीधा का सीधा किसान के खाते में जाएगा। और दूसरा, आज जो हमने जो लेबर एसोसिएशन थी उनकी स्ट्राइक की बात आई थी तो मंडी में आके उनके प्रतिनिधियों से बात की है। उनकी जो दो तीन मांगे थी, एक तो ये मांग थी कि मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगे, वो हमने लगा दी है। दूसरा उनको ये था कि कंसेशनल रेट पे आने जाने की हमें बसें दें, क्योंकि हमारी लेबर बिहार और UP से जाती है, वो भी हम अवेलेबल करा देंगे। तीसरा जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि इनका लेबर का रेट जो है सरकार के द्वारा कुछ कम कर दिया गया है। पिछली बार हाई था, इस बार ये कह के कि भाई कोविड में लेबर कम थी इसलिए ज़्यादा था पिछली बार, तो इस बार कम कर दिया है, तो वो हम ज़रूर सरकार तक पहुँचाएंगे। लेकिन हमारे आश्वासन पर उन्होंने कोई भी स्ट्राइक वगैरह ना करने का फैसला किया है, तो मंडी में जो परचेज़ है, प्रोक्योरमेंट है, वो सुचारू रूप से चल रही है और लिफ्टिंग भी हमारी हो रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब मुझे नहीं लगता किसी भी मंडी में, करनाल की किसी भी मंडी में इस तरह की कोई दिक्कत आएगी। लिफ्टिंग में एक प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रांसपोर्टर्स को एक बार उठाने 100 नंबर पे जाना पड़ता है, दूसरी बार 400 पे, तीसरी बार 500 पर, एग्जांपल के तौर पर, तो उसका किस तरीके से? उसमें हमने सरकार से बात करेंगे कि किसी भी आढ़ती के वहाँ से तब तक उसके वहाँ ट्रक ना आए जब तक कम से कम 500-600 बोरियाँ, जितनी उसकी ट्रक की कैपेसिटी है, पूरा का पूरा ट्रक उसे एक आढ़ती से निकले, ताकि एक तो उसको ट्रक को जगह जगह ना जाना पड़े और दूसरा अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है माल में तो एक ही आढ़ती की जिम्मेदारी हो। अगर एक ही ट्रक में 4-5 आढ़तियों के कट्टे रखे होंगे तो उसमें जिम्मेदारी फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम सरकार के स्तर पर टेक, पानी की भी दिक्कत आ रही है मजदूरों को, उनसे बात की है, पानी, टॉयलेट, मेडिकल केयर सारी उनको दी जाएगी, इस तरह की कोई भी समस्या उन्होंने नहीं रेज की, कोई ऐसी बात आती है तो जरूर प्रोवाइड। एक बात और कि ट्रक के अंदर मतलब एक बोरी वाला कट्टा और दूसरा जो सफेद कट्टा है प्लास्टिक वाला, वो दोनों जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि एक ट्रक के अंदर एक ही टाइप का कट्टा रहे वो ज्यादा बेहतर? बिल्कुल जा सकता है, बेहतर ये कि एक ही आड़ती का सारा जाए ताकि उसमें मिक्सिंग की या इस तरह की क्वालिटी की कोई इश्यूज ना हो। तो वही चीज हम स्टेट सरकार से बात करके, राज्य सरकार से, वो हम एनफोर्स करवाएंगे। कल ही सबसे लिया फसल सारी भी गहरी, दो चार समस्या मंडी की थी, वो प्रशासन ने हमारी मान ली है, जो भी समस्या थी हमने प्रशासन में मिलकर अपनी समस्या दूर कर ली है, बाकी सुचारू रूप से काम चालू है और सुचारू रूप से काम चालू रहेगा। मजदूरों की समस्या थी, मजदूरों की समस्या हमने भी रखी है, इनकी पीछे जो लेबर थी वो बढ़ कर रही थी, बहुत कम हो गई है भाई, इनको है ना किराया भी ज़्यादा पड़ रहा है, पहले ट्रेन में 200-300 रुपये लगाया करते, अब बस में 2000 रुपया
तो डीसी साहब ने कहा जो बसबिन को प्रोवाइड कराओगे, जो उनकी लेबर है वो भी सरकार तक पहुँचाओगे, ताकि जितनी पीछे कम से कम उतनी तो हो, अगर नहीं बढ़े तो पुराने रेट पर उनकी लेबर मिले। तो जिला उपायुक्त ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? जिला उपायुक्त ने जो निर्देश दिए हैं फसल के लिए है ना, तुरंत जमींदार की जो फसल आए उसके ऊपर कोई परेशानी ना हो, हर चीज अंदर गिल्ली तार है, गिल्ली बेचे, गिल्ली लिफ्टिंग का अभी मैं आदेश दे दिए हैं, लिफ्टिंग ठीक ढंग से हो, बाकी किसी प्रकार की बारदाने वगैरह की जो समस्या थी सारी सारी समस्या हल कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर